फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं जस्ट सो के उठी हूँ। कल जो रात में मैंने जो डिनर करा था वो मैकडी और मम्मी के लिए जो हम लोगों ने रोटी और पनीर मटर पनीर जो लेके आए थे उसमें से मैंने भी एक रोटी खाई थी। इंडियन खाना खाए हुए थोड़ा काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं सोचा चलो आज टेस्ट करते। तो वही खाने के बाद जो मैं सोई हूँ, तो अभी उठी हूँ। अभी हो रहा है यहाँ, मतलब बाली के हिसाब से अभी 6:30 बज रहा है और इंडिया में उसके 2-2.5 घंटा पीछे कर लो तो उतना ही टाइम हो रहा होगा इंडिया में भी। तो अभी उठे हैं, अभी यहाँ पे आज बाली में day 4 है हमारा और देखते हैं कैसे क्या करने का है आज। वैसे ज़्यादा दूर जाना नहीं है, जैसा एटनरी में मैंने चेक करा था, जैसा ज़्यादा दूर जाना नहीं है, मतलब ज़्यादा प्लेसेस में नहीं जाना है, बस एक ही प्लेसेस में जाना है। तो आज थोड़ा लेट से ही निकलना है क्योंकि इसके पहले वाले दिन तो 6:30 बजे निकलना था, जो कि एकदम मतलब भागा भागे वाला सीन हो गया था और उसमें टायर्ड भी हो गए थे आते आते, जैसा कि आप लोगों को मैंने कल वाले ब्लॉग में बताया ही था। तो अभी उठे हैं, अभी थोड़ा जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, नाश्ता भी आराम से करेंगे। अभी टाइम है 9:30 बजे निकलने का, तो कभी मैं जल्दी उठ गई तो थोड़ा मेरा एडिटिंग का काम बचा हुआ था, मैं एडिटिंग कर रही थी तो फिर सोचा कि चलो पहले फ्रेश वगैरह हो जाते हैं उसके बाद काम पे लगेंगे, क्योंकि फिर भागा भागी वाला टाइम हो जाएगा। तो अभी जाते हैं फ्रेश होने के लिए और जैसा जो होता है आप लोगों को बताएंगे। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं इंडोनेशिया बाली का जो ये ट्रिप है, तो मुझे जैसे समझ में आ रहा है मैं उस तरीके से एक्सप्लोर कर रही हूँ। मतलब मैं जैसे अपना जैसे जो इन्जॉय करते हैं, जैसे फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, मैं उसी तरीके से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ अलग तरीके का भी चाहिए होगा तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताना। तो बाकी का ये मैं सुबह के नज़ारे जैसा देख सकते हो पीछे, ऐसा कुछ खास नहीं है दिखाने के लिए, तो बट जैसा है जो है बढ़िया है। तो चलिए मैं फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ, फ्रेश हो जाने के बाद मिलते हो। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज। तो चलिए मैं फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और फटाफट रेडी होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद हमें बाहर भी निकलना है और मैंने ये बाथरोब डाल लिया है और हेयर पूरा गीला गीला है, तो इसको थोड़ा हेयर ड्राई करते हैं उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं। ब्रेकफास्ट में जैसा जो होता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो फटाफट हेयर ड्राई कर लेते हैं और उसके बाद नाश्ते के लिए निकलते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तब तक लिस्ट स्टे टून गाइस। सो फ्रेंड्स, मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ, जैसा कि देख सकते हो जो मैंने आउटफिट परचेस करा था वही आज मैंने पहना है। तो अब निकलते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट के लिए, अब जैसा जो होता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरा ये ब्रेकफास्ट होने वाला है नूडल्स विथ एग। हम मम्मी का फ्रूट्स खा रही है, सूर्यास्त थर्सडे, और इसका बहुत सारा आइटम है बट कुछ कुछ आइटम का नाम पता है कुछ कुछ। तो फाइनली हम लोग का ब्रेकफास्ट हो चुका है और ब्रेकफास्ट के लिए क्या ही बात करूँ, यहाँ का जो खाना है खाना तेरा खाना है। तो आज मुझे मैगी पसंद है, मतलब मैगी का काउंटर दिखा तो मैंने सोचा चलो मैगी खा लेते हैं। तो चलिए जैसा जो होता है आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जैसा जो होता है फिर शेयर करेंगे। हाँ, मम्मी कार के अंदर जा रही है और मैगी कार के अंदर ही जा रही हूँ। थैंक यू। फाइनली हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, कोई लैम्पुयंग टेम्पल बोल के जगह है, जो कि 3-3.5 घंटे लगे यहाँ पहुंचने में और कमर की तो बैंड बज गई बैठे बैठे। तो पहले निकल जाते हैं उसके बाद आप लोगों को बताते हैं प्रॉपर। फाइनली हम लोग लैम्पुयंग कोई टेम्पल बोल के है तो वही डेस्टिनेशन पहुँच चुके हैं। तो अभी हमें सेटल बस में जाना है, तो जैसा जो होता है आप लोग को दिखाते हैं और वेदर देख सकते हो, सनी वेदर है। फाइनली हम लोग बस पर बैठ चुके हैं लुम्बिया टेम्पल के लिए मम्मी के साथ, और मम्मी आज इंडियन का साड़ी पहन के टेम्पल जा रहे हैं ना, तो मम्मी ने साड़ी पहन रखे हैं और मैं नॉर्मल ड्रेस जय माता दी। चलिए पहुँच जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। यहाँ पर कुछ अजीबो गरीब बस है, जैसे कि ट्रक खुला खुला सा है और रास्ते के आगे सब पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो बातों बातों में बस में तो हमें लैम्पुयंग टेम्पल पहुँचा दिया, बस से टिकट परचेस करना पड़ेगा। सेटल बस का और टिकट का अलग अलग प्राइस था और ये कुछ यहाँ का कल्चर है, तो ये हमें पहना रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा मैच कर रहा है मेरे टॉप के साथ। मैंने ब्लैक टॉप पहना है और नीचे डीप रेड कलर का ये कुछ बांध रही है और बहुत ही अच्छी थी हैं।
तो चलिए फ्रॉड ये कर लेते, उसके बाद आप लोगों से मिलते, अच्छा लग रहा था। मेरे को भी पहनना पड़ेगा, मम्मी को देखिए, मम्मी को भी पहना दिए, हम दोनों पहना, उसको भी पहनाया जाएगा। तो कहा जाता है यहाँ का कल्चर है इसको करके अंदर। हम अभी पहने थे त्रिवेंद्रम में लास्ट टाइम, टेम्पल का रास्ता जाने के लिए हम लोग को वॉक बाय वॉकिंग जाना पड़ेगा, 300 मीटर के करीब में बोली है, हाई है, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, तो मंदिर पहुंच जाए उसके बाद आप लोग से बातें करते हैं। तो जैसा देख सकते हो, हम लोग चलने के बाद ये मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, एंटर करना है, आते आते हालत ख़राब हो गया, बैंड बज गया पैर का। ये जैसा देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से टेंपल है। ये चलिए हम लोग टेंपल के अंदर आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरा फोटोजेनिक पूरा जगह है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पीछे फोटोशूट कुछ चल रहा है, जैसे देख सकते हो वही मेन टेंपल, वहाँ फोटोशूट चल रहा है। तो आते आते तो पैर का बैंड बज गया, लेकिन आके अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा कुछ फोटोज वीडियोज फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे और थोड़ा घूमेंगे, कैसा क्या क्या नहीं है, जैसा होता आप लोगों को बताएंगे। तो तब तक स्टे ट्यून्ड गाइस, ये जो एक्सपीरियंस है अल्टीमेट एक्सपीरियंस है, अच्छा लग रहा है, जैसा जो होता आप लोगों को आगे बताते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर प्लेस की मैं बात करूँ तो प्लेस बहुत ही खूबसूरत है, और जैसा देख सकते हो इतने फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए सबको क्रेज़ है कि सब लाइन से खड़े हैं फोटो क्लिक के लिए, उनमें से मैं भी एक ही फ़ोटो क्लिक के लिए ही हम लोग खड़े हैं। और हम लोग का नंबर भी बहुत पीछे था, 279 नंबर पे था, और देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है। तो बस बैठे बैठे अपने नंबर का वेट करते हैं। जैसा देख सकते हो बारिश स्टार्ट हो चुका है, बट वहाँ पे अभी भी फ़ोटो शूट चल रहा है, मतलब लोगों को फ़ोटो क्लिक कराने का कितना क्रेज़ है, बारिश में भी पोज दे देकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। यहाँ का मौसम दिन भुलाए बारिश होता रहता है यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे के बाद मेरा नंबर आया, फोटो वगैरह तो लिया, वीडियो भी लिया, बट मेरे टाइम में थोड़ा रेन मतलब बारिश होने लगी थी, बट कोई नहीं, एडजस्ट हो गया। तो अब जा रहे हैं नीचे मम्मी के पास, हम लोग वैसे ही 3.5-3 घंटे से वैसे ही बैठे बैठे बोर होते, बेचारी वो अकेले बैठी है, तो देखते हैं कुछ खाने पीने का, अगर कुछ होता है तो खाएंगे, और आगे जैसा जो होता है आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तब तक लेट्स चुन गए, टेम्पल से आने के बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं आज का डिनर करने के लिए, तो इंडियन डिनर जो कि आज भी इंडियन खाना खाएंगे, कुछ अलग रेस्टोरेंट में ये, और इसका एम्बियंस कुछ लो लाइट है, आप लोग को उतना लाइट अच्छे से दिखेगा नहीं, इसका लो लाइट है, एम्बियंस अच्छा, आप खाना देखते सर खाना कैसा है, जैसा जो होता है आप लोगों को बताएंगे। गार्लिक नान और ये पनीर टिक्का मसाला जो कि टिपिकल इंडियन खाना है, तो इसको भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो वैसे फाइनली हम लोग का खाना पीना तो हो गया है डन, और खाने के बात करो तो खाना बहुत अच्छा था। वैसे तो बाली में हमारा day 4 है, तो अभी मैं बोल सकती हूँ इन 4 दिनों में सबसे बेस्ट खाना मैंने खाया, वो भी प्रॉपर इंडियन, कम स्पाइसी, मतलब तो मैंने अच्छे से खाया ऑनेस्टली बोलूँ तो। तो बाकी की बातें हम होटल पहुँचे करते, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो अब मैं इस वीडियो को डायरेक्ट रूम से कंटिन्यू करती हूँ। फाइनली मैं रूम में आ गई हूँ और ड्रेस वगैरह चेंज कर ली, कि अब तो सोना ही है। और मैं खाने की बात करूँ तो खाना बहुत अच्छा था, जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा टिपिकल इंडियन ऑथेंटिक इंडियन फूड मिलता है वहाँ पे, जहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे। रेस्टोरेंट का क्या नाम था एक्चुअली दिमाग में नहीं आ रहा, तो साइड में कोई नाम आ रहा होगा आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी रहा बात मेरा आज के टूर का, तो आज बस हम लोग एक टेम्पल ही गए, उसके बाद हम लोग घर ही आ गए, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ऊपर से
साढ़े तीन घंटे खड़े थे लाइन में फोटोज वीडियोस के लिए, तो उसी में आज हमारा पूरा दिन चला गया। तो बस एक ही जगह में, कल है डे 5, तो कल कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे क्या एक्टिविटीज करेंगे, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।